मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में रात के समय एक दुकान अचानक नाले में धंस गई। इस बात का पता उस समय चला जब दुकान मालिक ने सुबह दुकान खोली। हम आपको बता दें कि खरगोन नगर के तालाब चौक इलाके में नगर पालिका प्रशासन ने नाले पर दुकानों का निर्माण कराया था और 30 वर्ष की लीज पर दुकानें वितरित की गई। इसी को लेकर मंगलवार की सुबह दुकान मालिक महेश पाल ने रोज की तरह अपनी होटल को जैसे ही खोली तो दुकान का सामान नाले में पड़ा दिखाई दिया, जिससे हड़कंप मच गया, जिसे लेकर लोगों का हुजूम लगते दिखाई दिया। इस दौरान महेश पाल ने बताया कि करीब 25,000 का नुकसान हुआ है। वहीं मौके पर पहुंचे नगरपालिका अधिकारी प्रकाश चित्ते ने उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। काफी पुराने दुकानें हैं, इसकी जो फर्श है काफी गिरने फिरने हो गई है और सभी दुकानों को हमने निर्देश दिया है कि अब सचेत रहे, सावधानी रखें और इसके रिपेयर के संबंध में कुछ चर्चा करता हूँ, आपको रिपोर्ट देता हूँ। सब सही ठाक था, पर सुबह से आए दुकान खोलने, 5:30 बजे भतीजा आया था तो बोले कि काउंटर ये सब अंदर गिरा हुआ है, पूरी छत गिर गई है इसकी, जमीन वाली सूचना दी थी क्या? नहीं, किसी ने सूचना दी, हम ही तो खुद दुकान खोलने आए थे 5 बजे। हाँ, क्या नाले के ऊपर बनी हुई? हाँ, नाले के ऊपर बनी हुई है, नगर पालिका का काम है, ऐसा घटिया काम कर रहा है, कोई दिन में होता तो जनहानि हो जाती। इसके साल हो गए बनने हुए इसको, ये हमने 23 वर्ष हो गए हमको चलाते, और 30 साल की लीज है, उसका एग्रीमेंट 30 साल का है हमारे पास, इसका मुआवजा नगर पालिका को देना चाहिए हमको। नुकसान वगैरह कुछ हुआ? नुकसान हुआ इसमें कम से कम 75 से 80 लीटर तेल था और बेसन मैदा शक्कर की कोठियां भरी हुई थी, वो भी सब ढूंढ गई नीचे, और नगद 25,000 रुपये। दिन में आस्था होता तो कुछ बड़ी जनहानि हो सकती? हाँ, हो सकती थी, कम से कम 10-15 लोग घायल हो सकते थे। क्या नाम है आपका? महेश पाल। ये आपकी दुकान है? हाँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।